जोधपुर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश ने सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार का ध्यान राजस्थान की जनता की जगह दिल्ली पर है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पूरे समग्र हिंदू समाज के लिए आस्था का केंद्र है, और केवल उस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे प्रदेश भर के लिए, पूरे देश भर के लिए लोग आते हैं। वहाँ पर वैध और अवैध दोनों किस्म की माइनिंग होती है, लेकिन 2005 में जब प्रतिबंध लगाया तो उसको कांग्रेस की सरकार को फॉलो करना चाहिए था। 551 दिन से आंदोलन था तो सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए था। उसकी परिणति एक साधु के आत्मदाह से होती है, तो पार्टी ने, प्रदेश ने भी और केंद्र ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी टीम भेजी है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग समय दे दी है। पूर्वी राजस्थान में और खासतौर पर उस क्षेत्र में इस तरीके की घटना से संत समाज भी आहत है, आम लोगों में भी एक तरीके की आशंका है, क्योंकि अवैध खनन राजस्थान में अब अराजकता का कारण बन गया। स्वाभाविक तौर पर पूर्वी राजस्थान की इस घटना ने वहाँ के लोगों को उद्वेलित भी किया है, तो पार्टी केवल सियासी समीकरण के हिसाब से नहीं, वहाँ की अमन चैन, सुख शांति और वहाँ की आस्था को संरक्षण के लिए काम कर रही है।